Hello students, welcome once again in our soil foundation engineering class. तो last time हम पढ़ रहे थे soil compaction, तो हम उसी को continue करते हुए जैसे आपको बताया था कि soil compaction क्या होती है. तो soil compaction का मतलब ये है कि to compact the soil or to make the soil in so that it may be used for the making of roads और कैनाल और यूजिंग फॉर अवर फाउंडेशन. तो दोस्तों उसके अंदर आपको ये बताया था कि कॉम्पैक्शन है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब उसकी वजह से हम सॉइल के सब ग्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी वजह से सॉइल की सेटलमेंट को कम कर सकते हैं, उसकी वजह से उसकी परमेबिलिटी को हम कम कर सकते हैं, कॉम्पैक्शन की वजह से उसके वॉयड रेशियो को हम कम कर सकते हैं, उसकी ड्राई डेंसिटी को हम बढ़ा सकते हैं. तो ये सब काम करने के लिए हमने क्या किया, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट किया. जो हमारे पास अवेलेबल सॉइल है हमने उसका स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट किया और उससे हमने ये निकाला कि किस मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर हम उसको हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं. हमने गामा डी निकाला और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने कैलकुलेट किया ओएमसी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कॉन्टेंट. तो अब जो आपने किसी भी सॉइल का जो कि हमारे पास अवेलेबल है उसका हमने OMC कैलकुलेट कर लिया और उसका गामा डी कैलकुलेट कर लिया. अब वो उस OMC को और गामा डी को हमें फील्ड के अंदर ले जाना है, क्योंकि फील्ड के अंदर जो आपको रोड बनानी है कैनाल बनानी है तो वो उसके अंदर उतनी हमारे पास फील्ड के अंदर भी वो कॉम्पैक्शन आनी चाहिए. तो वो फील्ड जो लैब के अंदर तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास छोटा सा एक मोल्ड था जिसके अंदर हमने काम किया था. अब अगर हमें रोड को अगर कॉम्पैक्ट करना है तो हमें बहुत ज्यादा हैवी इक्विपमेंट चाहिए, तो उसके लिए फिर हमें इक्विपमेंट इस तरह से चाहिए ताकि हम उसको पूरे के पूरे को रोड्स को कैनाल को कॉम्पैक्ट कर सकें. तो उसके लिए हम फील्ड के अंदर हैवी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं. तो हमारे पास उसके अंदर सबसे पहले आते हैं रोलर्स. तो हमारे पास तीन तरह के रोलर होते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं. एक को बोलते हैं स्मूथ व्हील रोलर, दूसरा होता है हमारा न्यूमेटिक टायर रोलर्स और तीसरा होता है हमारे पास शीप फुट रोलर. तो हम एक एक को डिस्कस करेंगे. पहले तो जैसे सबसे पहले हमारा रोलर था स्मूथ व्हील रोलर. तो जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि भाई इसकी जो व्हील्स होते हैं दे आर स्मूथ, राउंड शेप के हमारे इसके व्हील्स होते हैं. तो ये स्मूथ व्हील रोलर भी दो टाइप के होते हैं, जिसके अंदर कि आपने देखा होगा सड़क पे काम करते हुए कि पिछले जो दो पहिए होते हैं वो बड़े होते हैं, अगला जो उसका जो क्या नाम है व्हील जिसको कह सकते हैं वो छोटा होता है, तो उसके अंदर हम सॉइल को कॉम्पैक्ट कर सकते हैं. दूसरे टाइप का क्या होता है कि इसके अंदर दोनों व्हील्स बराबर होते हैं आगे पीछे वाले. तो इस तरह के जो व्हील जो रोलर होते हैं वो लाइट वेट के होते हैं. तो इस तरह के जो रोलर्स होते हैं ये हम आमतौर पर हर तरह की सॉइल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे हमारी सैंडी सॉइल है चाहे हमारी कोहेसिव सॉइल है. लेकिन आमतौर पर जो इस तरह के रोलर्स होते हैं ये सरफेस को स्मूथ करने के काम आते हैं. जब लास्ट में जब हमने सॉइल को कॉम्पैक्ट कर लिया है तो उसकी जो लेयर्स हैं जो सॉइल की लेयर है उसको ऊपर को हमें स्मूथ करना है, तो उस टाइम पर हम इस तरह के रोलर्स का इस्तेमाल करते हैं. तो दूसरे टाइप का रोलर है हमारा न्यूमेटिक टायर रोलर. तो न्यूमेटिक टायर रोलर मीन्स रबड़ रोलर, रबड़ टायर रोलर्स. तो ये बहुत ही हैवी रोलर होते हैं. इसके अंदर जो रोलर जो होते हैं हमारे बहुत बड़े डायमीटर के रोलर होते हैं, शेप उसके व्हील होते हैं और उसके अंदर 9 से 11 तक नंबर तक इसके अंदर व्हील्स हो सकते हैं और इसकी कैपेसिटी भी बहुत हैवी होती है, मतलब 12 टन से लेकर 20 टन तक का ये रोलर होता है. तो ये जो न्यूमेटिक टायर रोलर्स हैं ये हम किसी भी टाइप की सॉइल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे हमारी सैंडी सॉइल हो चाहे हमारी कोहेसिव सॉइल हो, किसी तरह की भी सॉइल हो इसके अंदर इनका हम बहुत अच्छे से और बहुत ही इफेक्टिवली इनको हम यूज में ला सकते हैं. और आज के दिन जितने भी हमारे आपने देखा होगा फील्ड के अंदर कि इसके अंदर मैक्सिमम न्यूमेटिक टायर रोलर्स का आज के दिन इस्तेमाल हो रहा है. तो जो न्यूमेटिक टायर रोलर होते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड भी होते हैं, मतलब इसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है इसको चलाने का और इसको हम पीछे किसी मशीन के या किसी व्हीकल के उसको पीछे भी बांध कर इस तरह के रोलर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तीसरे टाइप आपने सुना जैसे शीप फुट रोलर. तो ये शीप फुट रोलर का मतलब क्या है कि इसके अंदर इसके जो रोलर के ऊपर प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, प्रोजेक्शन जैसे कि शीप के फुट होते हैं. तो जैसे ये इसका नाम कैसे पड़ा शीप फुट रोलर, तो एक बार जैसे किसी ने
सॉयल को ऐसे डाला हुआ था फील्ड के अंदर, और तो उसके ऊपर के एक बाई द वे उसका एक झुंड जो था एक शीप का उसके ऊपर से मूव कर गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो सॉयल थी हमारी वहां से कॉम्पैक्ट हो गई। तो उसने दिखाई तो बड़ा अच्छा तरीका है, तो उसने क्या किया फिर इंजीनियर ने वहां पर जो रोलर था उसके ऊपर प्रोजेक्शंस इस तरह से बना दिए ताकि जब उसके ऊपर सॉयल को हम उसके ऊपर चलाएं तो उसके अंदर वो प्रोजेक्शंस के अंदर से उसके अंदर गड्ढे बन जाएं, उससे वो सॉयल हमारी कॉम्पैक्ट हो गई। तो इस तरह के जो रोलर होते हैं दे आर वेरी इफेक्टिव फॉर द कोहेसिव सॉयल। तो इस तरीके से हम तीन टाइप के रोलर हम इस्तेमाल कर सकते हैं सरफेस को रोल करने के लिए। अब हमारा दूसरा टाइप आता है इसके अंदर फील्ड कॉम्पैक्शन के अंदर, इसको बोलते हैं रैमर। तो जो रैमर होते हैं दो टाइप के रैमर होते हैं, एक होता है लाइट रैमर एक होता है मैकेनिकल रैमर। तो लाइट रैमर तो रैमर तो आपने घरों में भी देखा होगा, जैसे हम अपने घर के अंदर कोई फाउंडेशन बनाते हैं तो उसके अंदर इसको दुर्मच भी बोलते हैं, दुर्मच। तो लाइट वेट होता है उसके अंदर, उसके ऊपर हैंडल लगा होता है और उसको जो मजदूर जो है उसको उठाकर ऐसे हैंडल करके उसको नीचे से हम कॉम्पैक्ट करते रहते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी सॉइल को बहुत छोटे काम के लिए इस काम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से मैकेनिकल रैमर होते हैं, ये किसी मशीन किसी भी रोलर के पीछे बांध देते हैं या किसी ऐसे व्हीकल के पीछे बांध देते हैं, ये थोड़ा सा और हैवी इसका जो वेट होता है ज़्यादा होता है, लेकिन ये भी हम आमतौर पर ट्रेंचेस वगैरह के लिए ही इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा बड़े काम के लिए ये रैमर्स का इस्तेमाल नहीं होता है। तीसरा इसके अंदर टाइप आती है वाइब्रेटर। तो जो वाइब्रेटर होते हैं, जैसे वाइब्रेटर का नाम ये है कि भाई इसके अंदर साथ साथ हम कॉम्पैक्शन के साथ साथ वाइब्रेशन भी कर दे रहे हैं सॉइल को ताकि वो और अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाए। तो जो हमारे ये रोलर्स जैसे स्मूथ व्हील रोलर है या न्यूमेटिक टायर रोलर है, इसके साथ साथ उसके अंदर हमने कॉम्पैक्ट वाइब्रेटर का भी इंतजाम कर दिया। तो उसके अंदर सॉइल जब उसके ऊपर ये रोलर चल रहे हैं साथ साथ वो सॉइल को वाइब्रेट भी कर रहा है और वाइब्रेशन के साथ साथ उसके अंदर ये रोलर्स भी चल रहे हैं, तो इस तरीके से हम सॉइल को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर एक चीज और आती है प्लेट रोलर्स। हम इसके अंदर छोटी छोटी प्लेट होती है, उस प्लेट को उसके ऊपर जहां पर जिस सरफेस को हमें वाइब्रेट करना है उसके ऊपर रख देते हैं, तो उसकी सरफेस की वाइब्रेशन से हमारी सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हमने सॉइल को कॉम्पैक्ट कर दिया। तो ये फील्ड के अंदर इस तरीके से हम रोलर्स का और वाइब्रेटर्स का और क्या नाम है रैमर्स का इस्तेमाल करके हम सॉइल को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। अब ये इसके बाद ये बात आती है कि जो आपने इन रोलर्स को इस्तेमाल किया, रोलर चलाया साथ साथ पानी भी डालते रहे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे सॉइल को हमें कॉम्पैक्ट करना पड़ता है तो इसके अंदर पानी भी डालते हैं, क्योंकि पानी जब तक डालेंगे तो वो उसके साथ वो सॉइल हमारी अच्छे से कॉम्पैक्ट होती है, अगर ड्राई तो कॉम्पैक्ट होगी नहीं, तो उसके अंदर पानी हम डाल रहे हैं साथ साथ OMC मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर। लेकिन क्योंकि इसके अंदर ये बहुत बड़े बड़े रोड होते हैं तो उसके अंदर कितना पानी इसके अंदर डाला कितना गया इसके अंदर, तो वो सब हम चेक करते हैं बाद में कि भाई जो आपने डेंसिटी जितनी चाहिए थी वो हमने अचीव की या नहीं की, तो ये सारे काम हम बाद में चेक करते हैं। तो उसके लिए फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कॉम्पैक्शन कंट्रोल का, कि भाई हम जैसे जैसे साथ साथ कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो हम ये भी चेक कर रहे हैं भाई इसके अंदर हमारी सॉइल कॉम्पैक्ट हुई कितनी है, तो उसके लिए कॉम्पैक्शन कंट्रोल करते हैं। तो कॉम्पैक्शन कंट्रोल के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो हमें उसकी ड्राई डेंसिटी चेक करनी है सॉइल की हमारी अब कितनी ड्राई डेंसिटी है, और दूसरा उसके अंदर यह है कि भाई इसके अंदर अभी मॉइस्चर कंटेंट कितना है। तो दोनों ही चीजें हमें चेक करनी है कि भाई ड्राई डेंसिटी कितनी हो रही है इसके साथ साथ और इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है। तो जैसे हमने इसके अंदर प्रैक्टिकल किया था, तो प्रैक्टिकल के अंदर जो इसकी ड्राई डेंसिटी आई थी, अब अगर उतनी अगर फील्ड में अगर अचीव कर लेते हैं तो इससे बढ़िया बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसका अगर 95% भी अगर हम उसको अचीव कर पाए तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि फील्ड के अंदर जो हमारी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी थी लैब के अंदर उसका हमने 95% अचीव कर लिया है। तो ये चेक करने के लिए कि हमारे पास कितनी ड्राई डेंसिटी अभी इसके अंदर इस सॉइल की हो गई है, तो उसके करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक हम बोलते हैं सैंड रिप्लेसमेंट मेथड और दूसरा हमारा कोर कटर मेथड। तो दोनों ही बहुत ही आसान मेथड है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड और कोर कटर मेथड, बहुत ही 10 मिनट का एक्सपेरिमेंट होता है जिसके जरिए कि हम सॉइल को चेक कर सकते हैं। तो जो ये हमारा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है ये कोर कटर मेथड से थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन वो बहुत छोटा टाइम बहुत बहुत जल्दी से हम उसको कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। तो इसको काम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास इसके अंदर सिलेंडर है, ये पोरिंग सिलेंडर इसको हम बोलते हैं, तो इसकी डायमेंशंस वगैरह सब फिक्स है और इसके अंदर एक ये
कैलिब्रेटेड सिलेंडर है, ये दिखाया गया दूसरा कैलिब्रेटेड सिलेंडर। तो इसके अंदर जैसे इसका नाम बताया गया सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, हम इसके अंदर जहां पर भी सॉइल की हमें ड्राई डेंसिटी चेक करनी है वहां पर उसको सैंड उसकी जो निकालकर उसकी जो मिट्टी निकालकर उसको हम सैंड से रिप्लेस कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो सैंड इसके अंदर इस्तेमाल करनी है उसकी हम डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं कैलिब्रेशन करने के लिए, ये प्रोसेस हमारा कैलिब्रेशन कहलाता है। तो जो सिलेंडर आपको उसके अंदर सारी डायमेंशन के अंदर लिखी गई है, इसके अंदर एक हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक शटर लगा होता है, यहाँ पर इस साइड में दिखाया शटर, पहले शटर को हम क्लोज कर देते हैं, शटर को हमने क्लोज कर दिया और इस सिलेंडर को हमने एक स्टैंडर्ड सैंड से भर दिया। एक सैंड है हमारे पास स्टैंडर्ड ड्राई सैंड, उस ड्राई सैंड होती है किस तरह की सैंड है, जो कि 600 माइक्रोन से तो पास हो जाती है और 300 माइक्रोन पे रिटेन हो जाती है। एक ऐसी सॉयल जो कि 600 माइक्रोन सीव से तो पास हो जाए और 300 माइक्रोन सीव पे रिटेन हो जाए, वो सॉयल वो सैंड हमने ले ली और वो सैंड हमने इस सिलेंडर के अंदर ऊपर तक हम भर देते हैं। तो ये हमारा सिलेंडर है पोरिंग सिलेंडर, इसको पोरिंग सिलेंडर बोलते हैं। तो इस सिलेंडर के अंदर वो सैंड हमने भर ली और इसका हमने कर लिया इसका वजन, फिर सिलेंडर के अंदर भरने के बाद हमने इसको थोड़ा सा ऊपर से खाली रखते हैं थोड़ा सा मतलब 10-15 mm, और इसको हमने सिलेंडर को वजन कर लिया, उसका नाम उसका वजन कर दिया हमने, कह दिया उसको कह दिया W1। तो सिलेंडर का हमने वजन कर लिया, अब हमने क्या किया इस सिलेंडर को उठाकर, एक ही हमारा कैलिब्रेटेड सिलेंडर है इसके ऊपर हमने इसको रख दिया, बिल्कुल जो साइज इसका होगा बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर ही आ जाएगा। तो फिर हमने क्या किया, इस शटर को हमने खोल दिया। तो जैसे इस शटर को खोलते हैं हम, जो इसके अंदर सैंड है वो फ्री फॉल की वजह से इस सिलेंडर के अंदर भर जाती है। तो जैसे इस सिलेंडर के अंदर भर गई, अब जब इसके अंदर ये मूवमेंट बंद हो जाएगी कुछ टाइम के बाद हमें पता लग जाएगा इसके अंदर नीचे हम नहीं जा रही है, इसको हमने बंद कर दिया। तो दोस्तों इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इसके अंदर यहाँ पर ये ट्रायंगल बनी हुई है, तो जब इसके अंदर इसके सिलेंडर इसमें सॉइल इसमें सैंड जाएगी तो इसी तरह से इसके अंदर सिलेंडर भी बन जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल भी बन जाएगा यहाँ पर इसके ऊपर। तो इसके अंदर हमें इसकी डेंसिटी निकालनी है सैंड की, कि भी सैंड की डेंसिटी कितनी है। तो इसके अंदर सिलेंडर के अंदर कुछ सॉइल फालतू चली गई, तो वो अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, फिर इसका हमें इसकी ट्रायंगल का वजन निकालना है कि भी सॉइल का वजन कितना है। तो उससे पहले आपने क्या किया, पहले इसका बगैर पोरिंग से वजन निकाल लिया था, उसको हमने कहा था W1। फिर आपने इसके अंदर भर दिया, अब इसके अंदर कुछ सॉइल इसके अंदर से निकल गई, तो कितनी सॉइल निकली उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, फिर इसका वजन कर लिया, उसको कह दिया हमने W2। तो जितनी इस सिलेंडर के अंदर गई और इसके ऊपर जो ट्रायंगल बना उसका वजन हमारे पास आ गया W1 - W2। तो हमारे पास टोटल वजन इसका पता लग गया। अब हमें इसके अंदर से क्या करना है कि जो इसके ऊपर ट्रायंगल बनी है हमें वो ट्रायंगल का वजन और इसके अंदर से घटाना है, ताकि हमें इसके अंदर नेट पता लग जाए कि इसके अंदर कितनी सॉइल हमारे पास गई है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर पोरिंग सिलेंडर को एक ग्लास प्लेट पर रख देते हैं, ग्लास प्लेट पर, और ग्लास प्लेट पर रखेंगे तो इसके बिल्कुल लेवल में आ जाएगा वो। फिर इस शटर को हम खोल देंगे, तो जैसे इस शटर को खोलेंगे तो सिर्फ जितनी इसके अंदर ट्रायंगल में सैंड है उतनी ही आएगी। तो हमने क्या किया, W2 हमारे पास था, तो W2 के अंदर से फिर खाली हमने इस ट्रायंगल का वजन ले लिया। फिर जब हमने देखा बंद हो गया, निकल रही सैंड नहीं निकल रही है, फिर इसको बंद कर दिया, तो हमारे पास इसका फिर हमने वजन कर लिया, तो वो हमें मिल गया W3। तो W3 के अंदर हमारे पास इस ट्रायंगल के वजन दो बार घट गए, तो हमने क्या किया, फिर ये W3 वजन कैसे निकाला, W2 - W3 कर दिया। जो W2 था और W3 था उसमें से हमने W2 - W3 घटा दिया, तो हमें क्या मिल गया, W3 मिल गया खाली। W2 मतलब इसका जो सिलेंडर था, हमें कहने का मतलब ये है कि हमें इस ट्रायंगल का वजन निकालना है। तो नेट अब हमने क्या किया, इस सिलेंडर के अंदर कितना वजन आ गया, W1 - W2 - W3। तो W1 इसका पूरे का वजन था, W2 का वजन था मतलब जो इसके अंदर गया भरा और इसके ऊपर ट्रायंगल का वजन आ गया। अब हमने ट्रायंगल का वजन और घटा दिया, इसके अंदर W3 है, तो W3 जो सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल का वजन है वो हमने घटा दिया, तो हमारे पास इस सिलेंडर के अंदर जितनी भी सैंड गई है उसका वेट हमें पता लग गया। अब इस सिलेंडर का हमें वॉल्यूम भी पता है, तो हमने क्या किया, गामा एस की वैल्यू निकाल दी, मतलब इस सॉइल की जो डेंसिटी है वो हमें पता लग गई।
तो हमारा पर्पस ही यही था कि जो सॉयल है हमारे पास, मतलब जो सैंड इस सिलेंडर के अंदर है उसकी डेंसिटी का पता करना। तो वो डेंसिटी का पता करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, जिस जहां पर भी हमें जिस सॉइल की या जो आपने जहां पर कॉम्पैक्ट किया है उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, फील्ड में चले जाएंगे। फील्ड में जाने के बाद हमारे पास एक ट्रे होती है, एक स्क्वायर ट्रे होती है, और उस ट्रे के अंदर एक होल बना होता है, उस ट्रे के अंदर एक होल बना है। अब उस ट्रे को हम क्या करते हैं, जहां पर भी जिस सॉइल की हमें जहां पर डेंसिटी निकालनी है उसके ऊपर रख देते हैं ग्राउंड के ऊपर, और रखने के बाद उस जो सिलेंडर जो हमारे पास जो होल था उसके सॉइल के अंदर उसमें से मिट्टी बाहर निकालते हैं, उसके लगभग एक 10-12 सेंटीमीटर का उसके अंदर होल कर देते हैं, और उसका डायमीटर उतना ही होता है जितना कि ये जैसे 11.25 है, इतना ही उसका उस प्लेट के अंदर होल बना हुआ उतना ही उसके अंदर कट होता है। तो आपने उस सॉइल के अंदर से, उस ग्राउंड के अंदर से मिट्टी आपने खोद ली बाहर और उस ट्रे के अंदर रख ली। तो हम जितनी भी मिट्टी निकाली उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको गिराना नहीं है, क्योंकि हमें उस मिट्टी का वजन निकालना है। अब उसके अंदर ये सिर्फ ये सारा जो प्रोसेस किया गया है, सिर्फ जो आपने गड्ढा किया है उस गड्ढे का आपने वॉल्यूम निकालना है, कितना वॉल्यूम है उसके अंदर, कितनी मिट्टी निकाली है आपने। तो मिट्टी निकालनी है, तो मिट्टी आपने वो इकट्ठी कर ली। अब फिर आपने ये जो प्रोसीजर किया था, ये सारा काम जो गड्ढा आपने बनाया है, इस सिलेंडर को फिर दोबारा से भर लेना है और फिर वही काम आपने करना है। तो उसका मतलब गड्ढे के अंदर कितनी सॉइल जाती है हमारे पास, कितनी मतलब सैंड जाती है, उसका वजन आपने निकालना है। पहले W1 ले लिया, फिर उसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर रखा, फिर उसके अंदर से भी उसके अंदर ये चली गई सैंड चली गई, फिर उसके बाद आपने बंद कर दिया शटर को, फिर इसको प्लेट पे रखा, फिर उसका वजन निकाल लिया। तो मतलब कहने का ये है कि हमने जो गड्ढा आपने बनाया है उस गड्ढे के अंदर कितनी सैंड गई है उसका आपने वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास डेंसिटी है ही, जो सॉइल आपके पास गई, अब आपने उससे उस गड्ढे का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। ये हमारे पास गामा एस हमारे पास था, ये हमारे पास उसकी डेंसिटी है, और जितना उसके अंदर वजन गया दोबारा से आपने वही W1 W2 W3 करके वजन आ गया हमारे पास, इससे भाग दे दिया तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया, उस गड्ढे का वॉल्यूम आ गया कि जो आपने सॉइल के अंदर, क्योंकि इरेगुलर सा गड्ढा बनेगा, क्योंकि सैंड क्या करेगी उसके अंदर पूरे को भर देगी, और जितने भी सैंड जितनी गई उसका वजन हमें पता लग गया, तो हमने उससे वॉल्यूम निकाल दिया। अब वॉल्यूम हमारे पास आ गया उस गड्ढे का, और उसके अंदर जो सॉइल आपने निकाली थी वो भी हमारे पास आ गई। तो अब हम सॉइल की डेंसिटी निकाल सकते हैं कि जो आपने जो सॉइल कॉम्पैक्ट की थी उसकी डेंसिटी क्या है, W/V। तो W/V करके अब उसके अंदर जो सॉइल हमारे पास थी उसका मॉइस्चर कंटेंट निकाल लेंगे, तो हमारे पास ड्राई डेंसिटी आ जाएगी γD। तो γD इज इक्वल टू γ/1+W। तो इस तरीके से जो एक्सपेरिमेंट है हम इसको दो तीन जगह पर रिपीट करते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट पता लग जाए सॉइल की हमारी ड्राई डेंसिटी कितनी है। तो ये हमारा मेथड था सैंड रिप्लेस मेथड। इसी तरीके से हम ये मेथड, दूसरा मेथड है ये बहुत आसान मेथड है, कोर कटर मेथड। इसके लिए हमारे पास एक सिंपल कोर है, इसका डायमेंशन हमारे पास पता है 100 mm और 130 mm, इसके ऊपर एक कॉलर लगी हुई है। तो आपको क्या करना है, सिंपल बस इसका खाली का वजन कर लेंगे, इस कोर का वजन कर लिया आपने खाली, और इस कोर को ले जाकर जहां पर भी आपने डेंसिटी निकालनी है जो कॉम्पैक्टेड सॉइल उसके ऊपर रखा, और उसके ऊपर एक हैमर होता है, उस स्टैंडर्ड वेट का हैमर होता है, उससे इसको गाड़ देते हैं, उसके अंदर हैमर मार के इसको आपने गाड़ दिया ये कॉलर समेत, और उसको फिर आपने बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद कॉलर उतार देंगे और उसको बिल्कुल ट्रिम करके बिल्कुल लेवल में ले आएंगे सॉइल के, इसके लेवल में ले आएंगे सॉइल, और इसका वजन कर लेंगे। तो आपने इसका खाली का आपने वजन किया हुआ था W1, इसका सॉइल के साथ वजन कर लिया W2, इसका वॉल्यूम हमें पता है, तो इसका कोर कट का कितना वॉल्यूम, उससे 20 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास इसकी डेंसिटी पता लग गई। तो इस तरीके से इस जो सॉइल आपने इसके अंदर भरी है उसका मॉइस्चर कॉन्टेंट और निकाल लेंगे, तो हमारे पास γD की वैल्यू आ जाएगी, γD इक्वल टू γ/1+W। तो इस तरीके से हम सॉइल की ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि आपने फील्ड के अंदर काम किया है। तो ये थोड़ा सा एक्यूरेट मेथड है, ये बहुत थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसलिए हम इसको किसी को भी मतलब जल्दी काम करना है या एक रफ आइडिया चाहिए ये कर लेते हैं, अगर एक्यूरेट चाहिए तो फिर सैंड रिप्लेसमेंट मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद तीसरी बात आ गई कि जो सॉयल आपने भरी है, जो आपने कॉम्पैक्ट की है, उसका मॉइस्चर कॉन्टेंट कितना है।
तो उसके मॉइस्चर कंटेंट को चेक करने के लिए भी हमारे पास एक मेथड है। तो जो हमारा एक प्रॉक्टर नीडल आती है, एक प्रॉक्टर नीडल है, तो उस प्रॉक्टर नीडल को हम उसको पहले कैलिब्रेट करते हैं। प्रॉक्टर नीडल को प्रॉक्टर मोल्ड के अंदर उस नीडल को पेनिट्रेट करते हैं स्टैंडर्ड डायमेंशन के लिए, और उसको कितना वजन हमें लगाना पड़ता है, तो उसके लोड और पेनिट्रेशन के बीच में हम एक अलग अलग सॉयल के अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट, नॉन मॉइस्चर कंटेंट के हिसाब से उसके अंदर कितना आपको लोड फोर्स लगानी पड़ी उसको पेनिट्रेट करने के अंदर, उसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक ग्राफ प्लॉट हो जाता है कि बिटवीन पेनिट्रेट, क्या नाम है, मॉइस्चर कॉन्टेंट और पेनिट्रेशन, मॉइस्चर कॉन्टेंट। तो अब आपको एक स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन करना है, अब आपको जो जिस सॉइल का भी आपको मॉइस्चर कंटेंट निकालना है, तो उसके अंदर उस नीडल को ले जाकर पेनिट्रेट कर देते हैं और फिर देखते हैं कितना लोड आपने लगाया। तो उसके अंदर हमारे पास ग्राफ जो था, ग्राफ के अंदर लोड वर्सेस मॉइस्चर कंटेंट के बीच में ग्राफ है, तो उसमें कितना लोड लगाना पड़ा उसके कोरस्पॉन्डिंगली हम मॉइस्चर कॉन्टेंट देख लेते हैं। तो एक रफ सा मेथड है, ज्यादा एक्यूरेट मेथड नहीं, लेकिन फिर भी एक अप्रोक्सीमेटली हमें आइडिया लग जाता है कि जिस सॉयल हमारे पास जो आपने कॉम्पैक्ट की है उसके अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट है, तो ताकि हम उसके अंदर सॉइल के अंदर ओएमसी जितना मॉइस्चर कंटेंट रख सकें। कम है तो उसके अंदर और मॉइस्चर कंटेंट डाल सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हमारी कोशिश ये रहती है कि जो सॉइल है हमारे पास उसको लगभग 95% तक, जो कि हमारी लैब के अंदर जो कॉम्पैक्शन है, लैब में जो ड्राई डेंसिटी है, वो हम अचीव कर सकें। तो ये सारा काम हम करते हैं फील्ड के अंदर। तो इसको करने के लिए हमारे पास सुपरवाइजर होता है लैब के अंदर, ग्राउंड के अंदर, मतलब जो हमारा सुपरवाइजर है। तो सुपरवाइजर को बहुत सारी चीजें सुपरवाइज करनी पड़ती हैं कि भाई जो सॉयल है हमारी उसके अंदर किस टाइप की सॉयल है, उसके अंदर कौन सा आपको कॉम्पेक्शन एफर्ट लगाना है, उसके अंदर अगर हमारे पास कोई ऐसी सॉयल है तो उसके अंदर हम थोड़ा सा मॉइस्चर कॉन्टेंट कम रखते हैं, उसके अंदर जो लेयर्स, क्योंकि जो सॉयल को कॉम्पैक्ट करना है वो लेयर्स में करते हैं, कितनी लेयर उसके अंदर हमने डाली है, ताकि उसके अंदर अगर ज्यादा मोटी लेयर अगर हम बना बना कर डालेंगे तो सॉइल हमारी नीचे से कॉम्पैक्ट नहीं होगी। वो सारी चीजों का ध्यान रखना उसके अंदर। फिर हम धीरे टाइम टाइम टू ये चेक करते रहते हैं कि हमने कितनी अचीव कर ली, जो हमारी ड्राई डेंसिटी है वो कितनी अचीव हुई है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि 95% तो कम से कम अचीव हो। तो इस तरह से ये जो मेथड्स हैं, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड या कोर कटर मेथड, टाइम टू टाइम वो उसके अंदर सैंपल ले लेकर उसका चेक करता रहता है कि हमारे पास कितनी ड्राई डेंसिटी अचीव हुई है। तो ये सारे के सारे एक एम्बैंकमेंट सुपरवाइजर के ये फंक्शंस हैं। तो अब इसके बाद बात आ जाती है कि जो जो कॉम्पैक्शन है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा भी, सबसे पहला तो इसके अंदर फैक्टर यही है कि हमारे पास कितना मॉइस्चर कंटेंट हम इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि एक हम जब तक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट नहीं डालेंगे तो हम मैक्सिमम ब्राइट डेंसिटी अचीव नहीं कर पाएंगे। और जो जैसे जो क्ले सॉइल होती है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा अच्छी होता है, और जो सैंडी सॉइल होता है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। दूसरा, उसके अंदर हम कौन सा कॉम्पैक्शन एफर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोलर इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइब्रेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, रैमर इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम कितना उसमें एफर्ट लगाते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है कि भाई जो सॉइल है हमारी, अब उसके अंदर जितना ज्यादा हम एफर्ट लगाते हैं, जितना ज्यादा लोड, क्योंकि मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट किया था, ज्यादा उसके अंदर हैवी अगर इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ज्यादा कॉम्पैक्शन कर पाते हैं बनिस्बत की लाइट लाइट कॉम्पैक्शन एफर्ट के। तो कौन सा एफर्ट आपने इस्तेमाल किया है ये भी उसकी सॉइल की कॉम्पैक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद हम कई बार सॉइल के अंदर कई एडमिक्सचर्स भी ऐड कर देते हैं। सॉइल अगर हमारी है, हमारे पास इस तरह की है जिसके अंदर की हम ज्यादा हमें कॉम्पैक्शन चाहिए होती है, तो उसके अंदर कई बार वी ऐड सर्टेन एडमिक्सचर्स। तो एडमिक्सचर्स के जरिए जैसे मान लिया लाइम ऐड कर देते हैं उसके अंदर, या उसके अंदर कोई जियो सिंथेटिक्स टाइप की कोई चीज होती है, जैसे उसके अंदर कोई सिंथेटिक मान कोई पीसीज कपड़े के इस तरह से उसमें ऐड करते हैं, या कई बार आज के दिन हम राइस हस्क भी ऐड कर देते हैं। तो उस तरीके से हम सॉयल को विद एडिंग सम एडमिक्सचर्स भी हम सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल की कॉम्पैक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दोस्तों, ये आज का जो हमने टॉपिक था उसके अंदर यही पढ़ा गया कि सॉइल के अंदर, फील्ड के अंदर कैसे उसको कॉम्पैक्ट कैसे करते हैं, कॉम्पैक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं, और उसकी कितनी कॉम्पैक्शन हुई वो हमने कैसे चेक करनी है कि भाई उसमें सैंड रिप्लेसमेंट मेथड यूज किया या कोर
कोर कटर मेथड से, ताकि हम उसके अंदर कम से कम 95% सॉइल की कॉम्पैक्शन को अचीव कर पाए, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को अचीव कर पाए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि और भी जो आपके मित्र हैं वो इसको देख पाएँ, और आगे हम और इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।